बना खबर आरंभ करिया बुलेटिन। बालेश्वर जिला सुवर्णरेखार जलस्तर वृद्धि पाइबा फळरे गांरे पसुची पानी राजघाट रे विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउची जलस्तर। एबे जलस्तर रहिची 11.90 मीटर। बालेश्वर जिलार तळिया अंचल रे क्रमागत जलस्तर वृद्धि पाइबार लागिची। बालियापाळ ब्लॉक रो एकाधिक गांरे पसिची पानी। सुरक्षा दृष्टि रे लोकंकु उच्च स्थान कु स्थानांतर करा जाउची। बालियापाळ रु विष्णुपुर जिबा रास्ता रे प्राय 4 फुट रो पानी, सेहिपरी बालियापाळ रु चौधरी कुद को जीवा रास्ता रे भी प्राय 4 फुट उच्चर पानी चली छि। कुदमान सिंह एवं जामकुंडा ठारे मध्य रास्ता उपर पानी चली छि, फलरे लोकों को भितरे भयर वातावरण। सुरक्षा दृष्टि रु लोकों को बन्या आश्रय स्थल को निया जाई सेठारे रंधा खाद्य दिया जाउछि। सेपरि भोगराई ब्लॉक रे मध्य पानी पसिछि। ब्लॉक रो 3टी पंचायत बेसी प्रभावित होईछि। एठारे भी लोकों को सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करा जाइछि। सुरक्षा दृष्टि रु अग्निशमन विभाग रो 15 जनिया टीम अलर्ट अछन्ति। 7टी बोट प्रस्तुत रहिछि। लोकों को सुरक्षित स्थान को नेबा सह रंधा खाद्य जोगाई दिया जाउछि। किछि किछि स्थान रे लोके नदी बंध उपर रात्रि जापन करिछन्ति। सेपटे बालियापाळ ब्लॉक सुंग मुहारे अल्पके अघटनरु बर्ती जाइछन्ति 3 जण। बन्या जळरे जणे शिशु महिला ओ वयस्क व्यक्ति फसी रहितिया बेले 3 जण को उद्धार करिछि अग्निशम विभाग। अग्निशम विभाग तरफरु रस्सी पकाई समस्तंकु उद्धार करा जाइछि। बालियापाळ रे बन्या पाणीरु 3 जण को उद्धार करा जाइछि। अग्निशम विभाग 3 जण को रस्सी पकाई उद्धार करिछि। जणे शिशु, जणे महिला एवं जणे वयस्क व्यक्ति फसी रहितिले बन्या भितरे। सेपरि भोगराई रे मध्य किछि लोक बन्या जळरे फसी रहितिबा बेले सेमानकु अग्निशम बाहिनी तरफरु उद्धार करा जाइछि। पावर बोट माध्यम रे अग्निशम विभाग समस्तंकु सुरक्षित उद्धार करिछि। बालेश्वर वर्तमान बन्या स्थिति। बालेश्वर जिला सुवर्णरेखार जलस्तर वृद्धि पाइबा फळरे गांरे पानी पसुची। राजघाट रे विपद संकेत उपरे प्रवाहित होउची जलस्तर। जो कथा कुहा जाइछि पूर्वरु सतर्क मध्य करा जाइछि। विपद संकेत उपरे जेहेतु पानी प्रवाहित होउची, आज दिन 12टा बेले राजघाट रे पिक छुइंब सुवर्णरेखा। एवं वर्तमान पर्यंत किछि लोकंकु चेष्टा करा जाइछि, जो माने तळी अंचल रे अछन्ति सेमानकु उपर स्थानकु स्थानांतर करा जाइछि। एवं जो माने बन्या घेररे फसी रहितिले सेमानकु मध्य उद्धार करिवार प्रक्रिया वर्तमान भी जारी रहिछि। अन्य पटरे लघुचाप प्रभाव परे कालीठारु छत्तीसगढ़ उपरमुंडरे मध्य वर्षार संभावना रहिछि। तो पानी वर्तमान जेहेतु सुवर्ण रेखारे बढ़िबार लागिछि एवं प्रवाहित होउछि विपद संकेत उपरे राजघाट ठारे जलस्तर, ताकु नजर रखी लोकमाने भयभीत अवस्थारे अछन्ति। किंतु सेमाने किपरि वास्तव आश्रयस्थळी रे सुरक्षित भाबरे पहुँची पारिबे सेठारे व्यवस्था मध्य करा जाइछि। आश्रयस्थळी रे सेमानक पई रंधा खाद्य तासुरा सुखिला खाद्यर मध्य ता उपरे विशेष नजर दिया जाइछि। भोगराई ब्लॉक रे मध्य पानी पश्चि एवं ब्लॉक रो 3टी पंचायत बेसी प्रभावित होइछि। एनेक अधिक आलोचना करिबा बालियापाळ को जिबा सेठ रचना प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति। सत्यजित, गतकाली रातिर दृश्य बालियापाळ रे एवं वर्तमान रो दृश्य, पाड जलस्तर रे किछि परिवर्तन आपण को नजर को आसुछि एवं सेठारे कोन केमति वर्तमान स्थानांतर प्रक्रिया चलछि? देखु बंता मुझे आपको चित्र देखा चाहिए जे वर्तमान जलस्तर जो कथा कहले जे बढ़ी आभली तलिया अंचल पा पशि जोटि की कटअप जोटि की जावा असुविधा रही जहाँ को नहीं आप देखुए जे डंगार व्यवस्था कर लोके रही डंगा मध्यम पारि हो जावा आसवा मध्य उपजी कारण दूर से जो गाँव गुड़िक रही गाँव गुड़िक बुड़ी जाइए। आज्ञा पचरे कौ कौ गाँ रही सब चौधरी कुद चढ़वस्त विष्णुपुर सुंगम केमिति लोक जीवा आसवा कर सब ये डंगारे जाऊँगी शुणुले जे अनेक गाँ कथा कहते जे गुड़िक बुड़ी रही बुड़ी रही जहाँ सी कहते सूचना दे देखु बंता आम चेष्टा करूँ से अंचल पहुँचापी एवं लोक आम दर्शक को देखा जे प्रकृत कौन स्थिति रही जो किभली भाव स्थिति रही आम देखा चाहिए एवं मोटामोटी जहाँ आप देखुं जेहेतु ये व्यवस्था कर गाँ को बाहर एवं दर्शक को देखूँ जे बर्तमान से गाँव रिति कौन रही जो कथा कहले जलस्तर कथा जहाँ
अपराह भोर पाखर जब देखा जलस्तर स्थिर रही सुवर्णरेखा बर्तमान जलस्तर बढ़ुनी किंतु जहाँ कह मध्यान समय पिक फ्लो हे और मध्यान समय जेहेतु पिक फ्लो हम हूँ तो आहरी जलस्तर बढ़ी पारे और जहाँ काली आशंका पाखापाखी 13 मीटर पाखापाखि जलस्तर पहुंची पारे देखो तो जदि रास्ता कथा कहबा तो प्राय तो अधिकांश जो ब्लॉक रही अधिकांश रास्ता वर्तमान बुड़ला अधिकांश रास्त पानी चली मुख्यतः मुख्य मुख्य रास्ता कथा कहबा जे विष्णुपुर को जीवा रास्ता कटअफ हो सारी तापर जदि बालियापाड़ भोगराई जीवार जो मुख्य रास्ता रही से 2 फुट 3 फुट रु अधिक पानी बसी तेणु से चलुच्ची तेणु से संभव नुह चौधरी कूद को जीवा रास्ता संभव नुहे जो आप देखुं आम डंगे बसीचु और डंगे जात्रा करने को बाध्य कारण से रास्ता एभली परिस्थिति रही जीवास संभव नुह तेणु मोटामोटी देखो तो निश्चित ये स्थान जो स्थान आप देखुं वर्तमान हुए तो भ्रम सृष्टि हो नदी भली किंतु ये स्थान सब चाष जमी थिला एठी चाष करा किंतु वर्तमान ये चाष जमी रे डंगा चली कारण यह परिस्थिति उपजी जो थे कि चली जावास करवा मुस्किल जावास करहब ना तेणु वर्तमान डंगा ही सहारा साजिश जेहेतु आहरी 3 रु 4 गाँ रही जाती फसी रही जाती तेणु से जावास करने जो SRC पक्षर बोट्र व्यवस्था कर स्थानीय पंचायत तत्वावधान ये बोट चली लोक जावास कर जो मान जरूरी आवश्यकता पड़ी से निजाऊँ व्यवस्था कर दूर में चेष्टा करेंगे मो सहयोगी को देखा देखे चित्र आपड़ देखु घर गुड़िक दूर जो चित्र रही घर गुड़िक अनुमान करें जे वर्तमान ये अंचल किभली पानी रही किभली अवस्था रही जहाँ लोक निश्चित बहुत हैरान होती जदि देखा बालियापाल भोगराई बस्ता जलेश्वर ये 4 ब्लॉक जहाँ कह प्रभावित हो बोली ये 4 ब्लॉक रो अनेक स्थान रही जो स्थान रे वर्तमान समान चित्र देखा मिलू जदि आम कह बालियापाल कथा कह विष्णुपुर पंचायत 6 गाँ जामकुंडा पंचायत 6 गाँ बालियापाल पंचायत 5 गाँ मधुपुरा पंचायत भी 3 गाँ अस्थी पंचायत 9 गाँ घंटुआ पंचायत निर्झरा पंचायत कुंभारी पंचायत श्रीरामपुर पंचायत देवघ पंचायत यह पाखापाखी जो 10,000 रु अधिक लोक रही जो मैंने सीधा सड़क प्रभावित होती है ये गाँव गुड़ी कहली पाखापाखी 50 रु अधिक गाँ रही केवल भुकुराई कथा कह से जलेश्वर कथा आप देखिए जलेश्वर में 25 पंचायत जो रही 25,000 रु अधिक लोक जो मैंने सीधा सड़क प्रभावित होती सुवर्णरेखा नदी में बना आसवा फल से बस्तार अंश भेलरा चर्मरा करुआ संतोषपुर यह सब अंचल बस्ता ब्लक रोच सेगुड़िक प्रभावित होदी भोगराई कथा कह भोगराई भोगराई विभिन्न जगह रही आरुआ वृत्ति खरीदपाल निश्चिता कुंभीरगढ़ी गबगा मनुनगर ये सब अनेक अंचल रही जगुड़िक बर्तमान जलमग्न जोठी को जीवा आसवा संभव नुह जो बोट्रे से रिएक्शन रखिए कि बर्तमान से स्थान में केते फुट्र पानी अच्छी केते बेले माड़ी आसला पानी कौन किमती अवस्था से माने अछंती देखो तो निश्चित भाव आम सहित जड़े डंगे पारखर पचारि बुझा जे आगे पा के गाँ भर रही डंगा कहीं जी पड़ती पा अधिक थवे प्राय पा हम अनुमानिक प्राय बर्तमान 15 फुट आड़े हम तेणु से आम जीवास कर डंगे आजा गाँ भर बर्तमान अवस्था कौन लोक केमी खियापिया कर आम प्रशासन तरफ रू सब व्यवस्था है आउ गाँव रोक बहुत हैरान होती गोटे जगह को नापी आम प्रचेषा जारी रखीचु का कहगला लोक सुरक्षित स्थान को जी को लोक जा सब आज्ञा कौ सब रही लोक स्कूल रोच्च बात्या घर रही सब निश्चित जहाँ कहते हैं स्कूल घर रही बात्या घर रही जो मान अत्यावश्यक पड़ी है देखुं डंगा मध्यम लोक नहीं जाते लोक आप पार कर
ଆମେ ଦଶ ଏହାର କ୍ୟାପାସିଟି ଦଶ ଜଣରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନେଉନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବାକୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଉଛୁ, ଔଷଧ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ଔଷଧ ଦେଉଛୁ। ଆମ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲରେ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ, ବା କୌଣସି ରିଲିଫ୍ ଆସୁଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଁର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଉଛୁ ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଗଲାଣି, ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଯେ ଦେଖାଗଲାଣି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି କହିପାରିବା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଉଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଯେ ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ଚାଲୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ କୁଦ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରା ରାତି ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଘର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି ନା ଘରେ ପାଣି ଯାଇନି, କେବଳ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଅଛି? ଚାରିପଟେ ପାଣି ଅଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆହୁରି ପାଣି ପଡ଼େ, ଯେହେତୁ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ରହିଛି, ଆହୁରି ପାଣି ବଢ଼ିପାରେ? ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଆମେ ରାତିରେ କାଲି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆନୁମାନିକ କେତେ ଲୋକ ରହିବେ ଭିତରେ? ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନ୍ଦିତା ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି ହଜାରେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ରହିବେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ପାଖାପାଖି ଗାଁରେ ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ଯଦି ଗାଁରେ ଏତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 15 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଅଛି, ସେ ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବନାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା ଯେଉଁ ରହିବା ଖାଇବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଘର ଛାଡ଼ିକି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ବି ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଶୋଚନୀୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି। ସତ୍ୟଜିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ବାଲିଆପାଳର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି।